ओके बेटा, मैं जरा इसको रिपीट करता हूँ ताकि आप जो है इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करें। बेटा हम जो है हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। कंसेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर में मोल क्या चीज है बेटा? दिस इज द रिलेटिव मैसेस ऑफ अ स्पीशी विच इज एक्सप्रेस इन ग्राम, विच इज एक्सप्रेस इन ग्राम्स। अच्छा ओके बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बेटा, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू इसमें जरा प्रॉब्लम हो रहा था। मैं तो लेक्चर पढ़ा रहा था लेकिन मेरा ख्याल है अभी मुझे पता चला कि इसके अंदर कुछ इश्यूज था, तो वो सिस्टम जो है वो वीडियो आपको जो है लेक्चर नजर नहीं आ रहा। खैर अब मैं जरा इसको रिवाइज करके ही ले जाऊंगा बेटा, आपने जरा गौर से देखना बेटा, इसको अच्छी तरह समझे जरा, ठीक है? यहां तक तो मेरे ख्याल कोई मसला नहीं है बेटा। मैंने आपको एक ट्रिक दिया है, एक टेक्निक दिया है जिसके जरिए आप कोई भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेटा मैंने यहाँ पे एक स्केच बना दिया है, ये जरा स्केच जरा देखें। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स के लिए है, ये पार्टिकल के लिए, ये वॉल्यूम के लिए और ये मास के लिए। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है बेटा, कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपसे वो क्वेश्चन कर रहा है कि वॉल्यूम गिवन है, आपने मास निकालना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम को, ठीक है? मोलर वॉल्यूम क्या है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब, तो आपका आंसर आएगा मोल में। इस मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? मास आ जाएगा, ठीक है बच्चे? अगर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन हो कि भाई पार्टिकल गिवन है, आपने निकालना है वॉल्यूम, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है उसको एवोगैड्रोस नंबर पे डिवाइड कर देंगे और जो आंसर आएगा वो मोल आएगा। उस मोल को आप मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम पे, तो आपके पास क्या निकल आएगा? वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है बच्चे? क्लियर हो गया ये पॉइंट? अगर वॉल्यूम से पार्टिकल में जाना हो तो क्या करेंगे? वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे मोलर वॉल्यूम पे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? मोल आ जाएगा। और मोल को आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो आपके पास पार्टिकल निकल आएगा, ठीक है बेटा? पॉइंट इज गॉट इट बेटा, समझ आ गया सबको? बताओ बेटा जरा, क्लियर हो गया सबको? जी बच्चे, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? यहां पे यहां तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो बता दो। जी बेटा, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वॉल्यूम गिवन है, ठीक है? वॉल्यूम गिवन है और आपसे कह रहा है कि भाई मास निकालो, मास निकाल के बताओ भाई, व्हाट इज द मास ऑफ द 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? जरा कैलकुलेट करो बेटा जरा। वॉल्यूम गिवन है, आपने मास में जाना है, वॉल्यूम गिवन है, आपने मास में जाना है, जरा कैलकुलेट करो बेटा, जरा जल्दी से कैलकुलेट करो। वेरी गुड, रिपीट कर दूं बेटा? अच्छा बात सुनो जरा बेटा, ये एक टेक्निक है जिसके जरिए आप किसी भी एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब आप जरा यहां पे देखें, मैंने यहां पे 4 बॉक्सेस बना दिए, 1, 2, 3 और 4। अब आप देखिए, ये बॉक्स मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉक्स वॉल्यूम को, ये बॉक्स मास को और ये बॉक्स पार्टिकल्स को, ठीक है बच्चे? अब आप देखें जरा, अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन है और आपने जाना है किसमें? मोल में, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइड कर देंगे मोलर वॉल्यूम को, तो आपके पास क्या निकल आएगा? मोल निकल आएगा। इस मोल को आप मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास पे, मोलर मास के साथ, तो आपके पास मास। इसी तरह पार्टिकल गिवन है, वॉल्यूम में जाना है, तो आप क्या करेंगे? पार्टिकल को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर पे, जो आंसर आएगा वो आपके पास मोल होगा। इस मोल को फिर आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम से और आपके पास क्या निकल आएगा? वॉल्यूम निकल आएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। यहां पे देखें, आपके पास एक गैस है, अभी मैंने ऊपर लिखा था, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल SO2, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है 3.5 डेसीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। फॉर एग्जांपल एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसका वॉल्यूम क्या है बेटा? 3.5 डेसीमीटर क्यूब है। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले। हाँ जी बच्चे, बताए जरा मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैलकुलेट करके बताओ जरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो बेटा। यहां से जरा इसी को देखे जरा, इसी स्केच को देखे जरा। आपके पास वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम मैंने दिया 3.5, ठीक है? और आपने क्या चीज फाइंड करना है? पार्टिकल फाइंड करना है बेटा। ये एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जरा देखे, वॉल्यूम को आप क्या करेंगे? सबसे पहले वॉल्यूम को क्या करेंगे? मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे। मोलर वॉल्यूम क्या है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इस पे जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा मोल में। इस मोल को फिर आप एवोगैड्रोस नंबर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? पार्टिकल्स आएगा, जो आपने यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। जरा करके बताया जरा मुझे जल्दी से, टू फास्ट, जल्दी करें बेटा जरा। इसको जरा सॉल्व करके बताया बेटा मुझे, हमजा दाऊद बेटा, हमजा बेटा इसको जरा सॉल्व करके बता दे मुझे। जी बच्चे,
क्वेश्चन इसको जरा सॉल्व करें बेटा, जरा इसको जरा सॉल्व करें बेटा, जरा बेटा आंसर बताओ ना इसका बेटा, जरा आंसर क्या आएगा इसका बेटा, डू फास्ट ये बच्चे। बेटा आप देखे ना यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास 3.5 डेसीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम आपके पास गिवन है, ठीक है, मोलर मास क्या होगा इसका, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, वॉल्यूम है मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले आप 3.5 को डिवाइड कर देंगे किस पे, 22.414 डेसीमीटर क्यूब पे, ये दोनों कट जाएगा यहां से। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक स्पेसिफिक आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल ए मैं आपको सपोज कर रहा हूं, एक आंसर आ गया ए, इस जो ये आंसर जो ए है ये मोल है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो आपके पास क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसओ टू। जी बच्चे क्लियर है सबको, कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल नहीं है, चलो फिर हम आगे चलते हैं। फिर बेटा किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बेटा, नो क्वेश्चन, चलो ठीक है फिर। अब आपका अगला टॉपिक है बेटा, दैट इज जी बेटा कोई क्वेश्चन किसी का, ओके बेटा ठीक है हमजा बेटा, गुड। अगला टॉपिक है आपका बेटा स्टोइकोमेट्री, स्टोइकोमेट्री, ठीक है बच्चे, स्टोइकोमेट्री क्या चीज है बेटा, याद रखिएगा स्टोइकोमेट्री इज बेसिकली अ ग्रीक वर्ड, ये आपको पता होना चाहिए, स्टोइको मींस एलिमेंट एंड मेट्री मींस मेजरमेंट। अब आप स्टोइकोमेट्री में आप क्या करेंगे बेटा, रिलेशनशिप देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे बेटा किसके दरमियान, रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्या रिलेशन है आप इसको डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है बच्चे। याद रखिएगा स्टोइकोमेट्री बेस्ड ऑन, याद रखिएगा ये बेस्ड ऑन किस पे बेस करेंगे बेटा, बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करें, ठीक है बच्चे। अब रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्टेंट है आपके पास, फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, इसने जाना है बी में, रिएक्टेंट ए ने जाना है किस में बेटा, बी में, तो इसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है वो बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान हम डिस्कस करेंगे किसमें, स्टोइकोमेट्री में। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उन पोस्टुलेट्स को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, तो बेटा आपके पास पोस्टुलेट है, सबसे पहले हम यहां पे पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे, पोस्टुलेट पोस्टुलेट्स, ठीक है बच्चे, हाँ जी। नंबर वन सबसे पहले क्या है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हाँ जी पोस्टुलेट नंबर वन, ये तो आपको वैसे भी सारे याद होना चाहिए बेटा, ये आप एफएससी में भी डिटेल पढ़ के आए होंगे, याद रखिएगा बेटा कि आपका जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होना चाहिए, रिएक्शन क्या होना चाहिए बेटा, कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आपका रिएक्शन जो है इनकंप्लीट ना हो। इसके बाद क्या होना चाहिए बेटा, आपके पास नो साइट रिएक्शन, नो साइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो साइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब कोई साइट रिएक्शन नहीं होना चाहिए, कोई बाय प्रोडक्ट आपके पास ना हो, ठीक है बच्चे। इसके बाद आपके पास है, इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबे, ये क्या होना चाहिए बेटा, ओबे होना
जरूरी है। तो ये आपके पास पॉस्टुलेट्स था बेटा फॉर किसके लिए बेटा, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए। अब यहां पे हम देखेंगे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर कुछ बैलेंस केमिकल जो इक्वेशन है इसका इसका कुछ लिमिटेशंस है, लिमिटेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आप जरा बताइए मुझे क्या क्या हो सकता है बेटा, याद रखिएगा, इट डज नॉट टेल अस। ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी अबाउट किसके हवाले से बेटा, नंबर वन दैट इज कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, कंडीशंस, हमें कंडीशंस के बारे में पता नहीं चलेंगे, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, ये चीजें हमें पता नहीं चलेंगी। ठीक है बेटा, नंबर टू दैट इज द फिजिकल स्टेट्स के बारे में भी हमें पता नहीं चलेंगे। याद रखिएगा, यहां से हमें फिजिकल स्टेट्स के हवाले से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ठीक है बेटा, इसके बाद हमें किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चे, एंड द लास्ट वन इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इसके हवाले से भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी इन द स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है बेटा, या बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जो है कुछ लिमिटेशंस है। अब हम जरा रिलेशनशिप देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या है। अब जाहिर बात है, अभी हमने बात की रिलेशनशिप बताया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान, याद रखिएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास 9 टाइप्स के रिलेशनशिप्स है। क्या है बेटा, 9 टाइप्स के रिलेशनशिप है। याद रखिएगा 9 टाइप के रिलेशनशिप कौन कौन से होंगे बेटा, सारे यहां पे मैं नहीं लिखूंगा, जस्ट आपके पास क्या क्या है बेटा, देखिए मोल है, मैस है और वॉल्यूम। अगर आप जरा देखें मोल मैस एंड वॉल्यूम, इन तीनों के दरमियान जो है रिलेशनशिप कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए जरा ये 9 कैसे बनेगा, मोल मैस मोल वॉल्यूम, इसी तरह वॉल्यूम मैस वॉल्यूम मोल, टोटल कितने हो गए 9। तो 9 रिलेशनशिप बताएगी हमें कौन बेटा, यहां से स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है बेटा, यहां तक मेरे ख्याल कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक टर्म आ जाती है बेटा, दैट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसमें वैसे वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका एमसीक्यूस मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, एमसीक्यूस वगैरह मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहां पे देखें जरा बच्चे, एक आपके पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट। हां जी बच्चे, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है क्या है कि ये किसी भी रिएक्शन के जो है रिएक्शन को कंट्रोल कर देते, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को क्या करते बेटा, कंट्रोल करते। ठीक है, हम इसमें जो है जो बात करने जा रहे, दैट इज द कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट नंबर 1। और याद रखिएगा ये कंज्यूम हो जाएंगे, कंज्यूम अर्लियर। ठीक है, पहले खत्म हो जाएगा। जाहिर बात है आपके पास जब 2 रिएक्टेंट हो तो एक आपके पास एक्सेस में होगा और एक आपके पास कम होगा, जो कम क्वांटिटी में है वही आपके पास क्या होगा बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, और ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ये याद रखिएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टोइकोमेट्री। एक और एप्लीकेशन भी इसके अंदर है, दैट इज द यील्ड, दैट इज यील्ड। ठीक है बच्चे, अब आप जरा गौर से सुने, यील्ड क्या चीज है बेटा, दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब आप जरा देखिए कि आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है आपके पास, यील्ड कैसे निकालेंगे। तो आप याद रखिएगा, यील्ड के लिए आपके पास जो 2 टर्म और आ जाएंगे, दैट इज एक आपके पास है थ्योरेटिकल यील्ड और एक आपके पास आ जाता है बेटा एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड आपको पता है बेटा, इसको हम हाइपोथेटिकल यील्ड भी बोलते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, और हाइपोथेटिकल यील्ड। क्लियर है बेटा। और एक्चुअल यील्ड क्या है बेटा, आपके पास एक्सपेरिमेंटल
एक्सपेरिमेंटल यील्ड। और याद रखिएगा कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड, या हम इसको कह सकते हैं थ्योरेटिकल यील्ड इज ग्रेटर देन क्या होगा बेटा आपके पास, एक्चुअल यील्ड। ठीक है बेटा, अब आप इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है बेटा आपके पास, रीजन है याद रखिएगा थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड से इसलिए ज्यादा होते बेटा, क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहा हो तो कुछ प्रोडक्ट जो है वो जाया भी हो सकते हैं बेटा ड्यू टू मैकेनिकल लॉस, बाय फिल्ट्रेशन, सेपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहा हो और उस दौरान जो है कुछ प्रोडक्ट जो है वो जाया हो जाए अनएक्सपीरियंस की वजह से भी, ड्यू टू अनएक्सपीरियंस। ठीक है बेटा, इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ साइड प्रोडक्ट, कोई बाय प्रोडक्ट बने तब भी लॉस हो सकते हैं। तो इस तरह जो है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज्यादा होंगे। ठीक है बेटा, और थ्योरेटिकल यील्ड हमें कहां से मिलेगा बेटा, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिलेगा, और एक्चुअल यील्ड हमेशा हमें एक्सपेरिमेंट से मिलेगा बेटा। क्लियर है सबको यहां तक, कोई प्रॉब्लम हो यहां तक किसी बच्चे को तो आप जो है बता। ओके, अब आप जरा देखें यहां पे बेटा, जो एक्चुअल यील्ड है और थ्योरेटिकल यील्ड अगर आपके पास गिवन हो, या आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड गिवन हो, एक्चुअल यील्ड गिवन हो, तो आप थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकालेंगे बेटा। याद रखिएगा, अगर एक्चुअल यील्ड गिवन हो और आपसे कहे कि परसेंटेज यील्ड निकाले, देखिए एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन आएगा कि भाई आपके पास जो है, इधर देखिए जरा बोर्ड पे सारे बच्चे, एक्चुअल यील्ड गिवन होगा, गिवन होगा बेटा, और आपसे जो है रिक्वायर्ड क्वेश्चन ये पूछेंगे कि परसेंटेज यील्ड क्या है, व्हाट विल बी द परसेंटेज यील्ड। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट को आपस में आप कंपेयर करेंगे। ठीक है बेटा, आपस में आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके फिर आप पहले सबसे पहले लिमिटेड रिएक्टेंट निकालेंगे, उस लिमिटेड रिएक्टेंट की मदद से आप क्या निकालेंगे बेटा, थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे। जब थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू आ जाएगी तो आप थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड से, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो ये आपका पहला जो है चैप्टर खत्म हो गया बेटा, फंडामेंटल कंसेप्ट। और अब टेस्ट होगा बेटा, मैं अब टेस्ट लेने लगा हूं, तो जल्दी से आप अटेम्प्ट करें टेस्ट को। ये आपका जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपको नजर आएंगे, तो आप जरा टेस्ट को अटेम्प्ट करें बेटा। आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स में आप इस टेस्ट को जो है अटेम्प्ट करें जी बेटा। जी बेटा, आपके सामने जो है स्क्रीन पे एमसीक्यूज है। नंबर वन, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन, आपके पास 2 मिनट है बेटा, 2 मिनट्स है, जल्दी करें। और जो आंसर आएगा उसको आपने जो है कमेंट्स में मुझे रिप्लाई भी देना है, कमेंट्स में मुझे बताना है कि कितने मार्क्स आए बेटा आपका। ठीक है, अगर इन एमसीक्यू से रिलेटेड कोई भी इशू हो आप मैसेंजर पे जो है मैसेज कर सकते हैं, मैसेंजर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एमसीक्यूज। और वर्कशीट के फॉर्म में भी मैं आपको इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज सेंड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा बेटा, उनको भी प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको जो है आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा बेटा आप लोग ये करने के बाद, इसके फ़ौरन बाद रिव्यू का जो है ऑप्शन है, उसमें आप ज़रूर जो है अपना रिव्यू दिया करें बेटा। आपका रिव्यू जो है ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है या क्या इशू आ रहा है, ये सारी बातें डिस्कस हो सकती है। तो आप अपना रिव्यू लाजमी दे दें, ठीक है, लाजमी अपना रिव्यू दे दें ताकि मुझे आइडिया हो। ठीक है मेरे बच्चे।
You have only 1 minute. Only 1 minute remaining left. 1 minute and 2 seconds. 1 minute आपके पास है. जल्दी से आप इसको सॉल्व करें. Do fast better. You have only 20 seconds. Ji beta. बेटा बेटा कम मार्क्स हम क्यों बेटा 1 वेरी गुड बेटा फजर बेटा 5/5 वेरी गुड मोमिन 3/5 ठीक है हमजा बेटा 3/5 और बेटा आरिज ये क्या नाम है बेटा मुझे नाम पर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा हाशिर हाशिर अली हाँ ये भी 3/5 1 आपको 1 क्यों है बेटा हवान 1 क्यों है बेटा आपका कोई मसला हुआ इसमें समझ नहीं है बेटा आपको ठीक है बच्चे तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा आपका एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स वो हम कल स्टार्ट करेंगे ठीक है और आप लोग लाजमी जो है अपने रिव्यू दे दें ताकि मेरे पास जो है आपका एक फीडबैक टाइप मेरे सामने आ जाए और क्लियर हो जाए ठीक है मेरे बच्चे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं आपका जो क्वेश्चन होगा बेटा वो मैसेंजर पे मुझे शो हो जाएंगे अगर आप क्वेश्चन करेंगे मैं वहाँ पे उसको उसका आंसर करूँगा ठीक है कोई प्रॉब्लम है या कोई मसला है तो मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँगा कल आपका जो टेस्ट होगा ना बेटा कल जो टेस्ट होगा वो आपका कल वाला जो लेक्चर होगा और आज का जो लेक्चर हुआ है ना उसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताए उस उन ट्रिक्स को हम यूटिलाइज करते हुए हम उसको सॉल्व करेंगे ठीक है बच्चे चले बेटा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़